इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, बॉल रिलीज फ्रॉम एच, बॉल को एच से रिलीज किया ये रहा, एंड फाइंड वेलोसिटी विद विच बॉल इज थ्रोन। रिलीज तो क्या ही किया, रिलीज वर्ड गलत लिख दिया मैंने, थ्रोन लिखना चाहिए सिर्फ, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस बॉल को मैंने थ्रो किया विद सम वेलोसिटी ऑफ वी, यहां पे कितने हाइट पर, एच, और ये हेमिस्फेयर है आर का, आर रेडियस का, ताकि वो कहां पर पहुंच जाए, सी पे, एट अ हाइट ऑफ आर। अब एक बात मुझे बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन ये कहती है, आपने अगर नोट किया हो, एक बॉल है, एक बॉल को अगर आप 10 मीटर से यहाँ से छोड़ो, वह ग्राउंड को टक्कर मार के वापस आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर पे आएगी, उसके ऊपर कैसे चली जाएगी, एनर्जी कंजर्वेशन यही है ना, जहाँ से चले थे वहाँ पर वापस आ गए। वैसे प्रैक्टिकली ये भी नहीं होता, प्रैक्टिकली तो काफ़ी नीचे रह जाती है, क्योंकि टक्कर होने से एनर्जी का लॉस हो जाता है। ये चैप्टर आपको ये भी सिखाएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो अब इस केस में जब एक बॉल को रिलीज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसी एच हाइट पर वापस आएगी, पर वो क्या कह रहे हैं कि एच से चली, लेकिन आए वो एच से भी ज्यादा, एच से भी ज्यादा का मतलब कितनी हाइट पर आए, आर पे। तो यू इज इक्वल टू जीरो, जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा अगर फ्रिक्शन नहीं है वो एच तक आएगी, पर हमें कहां पर भेजना है, आर पे। तो आपको कुछ तो वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा ताकि वो हाइट कवर कर ले। तो कितनी वेलोसिटी से इसे थ्रो करें कि आंसर आ जाए, कॉन्सेप्ट वही है, एक वेलोसिटी निकालनी है, और एक वेलोसिटी पता है ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, एक वेलोसिटी पता है क्योंकि यहां पे वेलोसिटी क्या होने वाली है, जीरो, क्योंकि मैं चाहता हूं यहां पे आके रुक जाए। अब एक वेलोसिटी पता है, एक निकालनी है, तो एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये ग्राउंड है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर, एंड सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर विल रिमेन सेम। पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर क्या होगी, एम जी एच, काइनेटिक की वैल्यू क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल यहां पर क्या होगी, एम जी आर, और काइनेटिक क्या होगी, जीरो। तो इसका मतलब एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर। एम 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 कैंसल, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, वी की वैल्यू आएगी, आंसर मार्क करना। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे, कोई डाउट इसमें, ठीक है। शीट नंबर कौन सी थी अभी, देखो तो ये हमने कर लिया, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स वाला रिलेशन, इसमें ये हमने कर लिया, अगर एक्स वाई जेड की फॉर्म में यह सब हो चुका डन। मेरे को एक क्वेश्चन याद आया, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में आपके मेंस के पुराने प्रीवियस ईयर पेपर में आपको मिलेगा, और शायद नीट में भी कहीं ना कहीं मिलेगा, अब मुझे ऐसे याद आ रहा है, परसों किसी प्लस टू के स्टूडेंट ने पूछा था कि इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, अगर वो क्वेश्चन आपको पुराने पेपर में किसी किताब में मिल जाए तो। तो क्वेश्चन ऐसे था कि अगर मान लो ये प्लस है, प्लस मीन्स ये न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास गोल घूम रहा है, तो इसके पास कौन सी फोर्स है, सेंट्रिपिटल। तो ये फोर्स सेंट्रिपिटल है, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी -7/r² है, मतलब इलेक्ट्रॉन अलग अलग रेडियस में घूमते हैं, अलग अलग शेल में, आर की वैल्यू वेरी करोगे तो एनर्जी भी वेरी करेगी, पोटेंशियल एनर्जी हर शेल में डिफरेंट होती है, तो उसने दे दी। उसने ये पूछा, फाइंड
सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव. तो अब अगर एनर्जी गिवन है और फोर्स निकालनी है तो बोलो क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू क्या, माइनस डी यू बाई डी आर. एफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर ऑफ यू, यू की जगह माइनस सेवन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. तो सेवन डी बाई डी आर ऑफ आर रेज टू पावर कितना, माइनस टू, ठीक है, आर की पावर माइनस टू. सेवन इंटू माइनस टू इंटू आर की पावर कितनी, माइनस थ्री. सेवन माइनस टू आर की पावर माइनस थ्री, तो यहां से आंसर क्या आएगा, माइनस फोर्टीन बाय आर क्यूब. तो ऐसा कुछ क्वेश्चन उसने पूछा. तो एटलीस्ट मतलब आपको मैं बता दूं, अगर पुराने पेपर मिलेंगे आपको और सॉल्व करोगे तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आएगा उसकी स्टार्टिंग कैसे करें, समझ में आ रहा है यहाँ तक. आगे वो क्या पूछेगा मुझे याद नहीं है, बट स्टार्टिंग उसकी यहीं से होगी. क्लियर है यहाँ तक? तो कैसे सोचना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो. ठीक है, मैं दे रहा हूं, इसका आंसर आपको निकालना है. क्वेश्चन है कि सपोज आपके पास एक प्लैंक है, एक प्लैंक की जो वैल्यू है वो एक्स है, लेंथ इसकी एक्स है, वेलोसिटी एक बुलेट इसमें एंटर करता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी और बाहर निकलता है, और वन एनथ ऑफ वेलोसिटी को लूज कर देता है और बाहर निकलता है किसी वेलोसिटी से, हाँ वी से एंटर करता है पर लूज कर देता है वन एनथ ऑफ द वेलोसिटी. तो बताओ कितने ऐसे प्लैंक्स चाहिए. तो हमें ऐसे कितने प्लैंक्स चाहिए होंगे, ऐसे कितने प्लैंक्स चाहिए ताकि ये बुलेट अगर वी वेलोसिटी से एंटर करे तो ये यहाँ पे रेस्ट पे आ जाए. कितने प्लैंक्स चाहिए, मान लो एन प्लैंक्स चाहिए, हर प्लैंक की लेंथ क्या है एक्स, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई एन इंटू एक्स. तो आपको बताना है कि कैपिटल एन नंबर ऑफ प्लैंक्स क्या होगा. ये क्वेश्चन है, स्मॉल एन की टर्म में आंसर आएगा, ये क्वेश्चन है. एंटर करते हैं और बाहर निकलते हैं लूजिंग सम वेलोसिटी या एनर्जी, तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है, फोर्स ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, राइट. तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, रेफर कर सकते हो, प्लैंक वाले क्वेश्चन शीट्स में गिवन होंगे, मिलता जुलता क्वेश्चन है. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्योंकि इस प्लैंक के अंदर जब बुलेट एंटर कर रहा होगा तो क्या लगेगी इसके ऊपर, फ्रिक्शन.
देखो तो इसमें इसके अंदर क्या क्या किया आपने, यहां पर बताओ वेलोसिटी क्या होगी, v माइनस v बाय n, क्योंकि वन एन ऑफ द वेलोसिटी लूज हो गई, ये किया आपने। तो केस नंबर वन, फर्स्ट केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m v माइनस v बाय n का होल स्क्वायर हाफ m v स्क्वायर। तो फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस एफ इंटू एक्स, राइट? ठीक है, याद है? ऐसे क्या था, याद है? केस नंबर टू, केस नंबर टू में उसको रोकना है, तो फाइनल काइनेटिक क्या, जीरो, इनिशियल क्या, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एफ इंटू एन इंटू एक्स, ये लो, सही? तो कर दो ना डिवाइड, इक्वेशन नंबर टू डिवाइडेड बाय वन, आंसर निकालो। तो इक्वेशन नंबर टू बाय वन, तो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एफ इंटू एन इंटू एक्स डिवाइडेड बाय हाफ इंटू एम इंटू वी माइनस वी बाय एन का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा, माइनस एफ इंटू एक्स। तो यहां से एक्स एक्स एफ एफ ये सब कैंसल, तो क्या आएगा, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर वन माइनस वन बाय एन का होल स्क्वायर, ये लो। तो यहां से हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर कैंसल, लगाओ एलसीएम, कैपिटल एन बोलो क्या होगा, हाँ दोबारा बोलो क्या रहे, एन स्क्वायर बाय टू एन, हाँ ये आपको ना ऑप्शन में दिखेगा, ऑब्जेक्टिव शीट में आएगा क्वेश्चन, ये ऑप्शन होगा, समझ में आ रहा है करना कैसे है, ठीक है, प्रैक्टिस है। अब प्लैंक वाले क्वेश्चन अगर मुझसे पूछते हो, मैंने पहले भी दो करवाए ऐसे, तीसरे में सोच तो ना रहा हूँ मैं, अब मुझे याद ही हो गया कि प्लैंक का क्वेश्चन है, चलो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क डन खत्म हो गया था, ठीक है, प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस से अपना हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये करो, है तो ये एनसीईआरटी के हिसाब से, पर शक्ल से लगता नहीं एनसीईआरटी, पर है ये इजी। ब्लॉक का मास है 1 केजी और हॉरिजॉन्टल स्पीड से ब्लॉक मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, फ्रिक्शन है नहीं तो वो 2 2 2 से मूव करता जा रहा है। एंटर द रफ पाथ, तो एक रफ पाथ फ्रिक्शन वाला पाथ आ गया, x इज इक्वल टू 0.10 मीटर से लेके 0.201 मीटर तक फ्रिक्शन आ गई। एफ आर रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स की ये वैल्यू है माइनस के बाई एक्स, एक्स की वैल्यू 0.1 से 2.01 है अगर ये फ्रिक्शन की वैल्यू है, और अगर x लेस देन 0.1 है ग्रेटर देन 2.01 है तो फ्रिक्शन जीरो है। आपको ये क्या है, इमेजिन करो ये आपकी, ये कोई x एक्सिस है, ये x इज इक्वल टू 0.1 मीटर है, ये x इज इक्वल टू कितना 2.01 मीटर है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फ्रिक्शन, वैसे फ्रिक्शन नहीं, x लेस देन 0.1 में देखो कोई फ्रिक्शन नहीं, वो कह रहे देखो नो फ्रिक्शन, और ऐसी x ग्रेटर देन 2.01 के अंदर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, जीरो है, और 0.1 से 2.10 तक ये फ्रिक्शन है, क्लियर है? तो कुछ पाथ में ही फ्रिक्शन है, और फिर वो ये कहता है के 0.5 है, तो यहाँ पर के की वैल्यू भी गिवन है 0.5। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी जिससे कि वो पैच को कवर करता है। देखो इसको ऐसे समझते हैं, एक बेटर डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पर इस रीजन में इस डिस्टेंस तक फ्रिक्शन प्रेजेंट है, एक्स इज इक्वल टू 0.1 मीटर से लेके x इज इक्वल टू 2.01 मीटर तक क्या प्रेजेंट है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, राइट? क्लियर है यहां तक? एक ब्लॉक एंटर करता है जिसका मास 1 केजी है और वेलोसिटी क्या है इसकी, 2 मीटर पर सेकंड से एंट्री होती है, और फिर ये बाहर निकलता है प्लैंक, फ्रिक्शन जब खत्म हो जाती है तो पूछ रहा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये बताओ, ये क्वेश्चन है। इनिशियल कितनी है वो मुझे पता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ
इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 2 जूल, ठीक है, 2 जूल। तो इनिशियल और फाइनल एनर्जीज हैं। यहाँ पर एफ की जो वैल्यू है वो कितनी है, -5 डिवाइडेड बाय एक्स, गिवन है के बाय एक्स, के 5 गिवन है, ये भी क्लियर है यहाँ तक, तो ये गिवन है। एक बात बताओ, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल है कि कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल है, इतना बड़ा एक्स बोल तो रहा हूँ, एक्स वेरिएबल है, तो एफ वेरिएबल है, एक्स जब चेंज होगा फ्रिक्शन भी चेंज होगी। तो अगर मैं वर्क डन निकाल लूँ अगेंस्ट फ्रिक्शन, या फ्रिक्शन ने कितना काम किया, वो एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकल ही नहीं सकता, क्यों, फोर्स वेरिएबल है, तो क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, उसके बिना वर्क डन निकलेगा नहीं। अब वर्क डन निकालेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, चेंज, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम लग गई, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्लियर, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो इसके अंदर फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 2 निकाली हुई है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वैसे तो देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम एम जी होता है, पर प्रॉब्लम यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर फोर्स वेरिएबल है, और अगर फोर्स वेरिएबल है तो अपने को क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, और इंटीग्रेशन से यही तो तरीका है फोर्स वर्क डन निकालने का, तो एफ डी एक्स की इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, एक्स की लिमिट क्या लगाएंगे, 0.1 से 2.01 तक, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस एफ अपॉन एक्स डी एक्स, 0.1 से लेके 2.01 तक, और वैसे भी फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव आएगा, तभी तो यहाँ साइन क्या आया, नेगेटिव। तो आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, 2 - 5 वन बाई एक्स डी एक्स, 0.1 से लेके 2.01 तक। अब वैसे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पर वैसे अब ये 1/x dx की जो इंटीग्रेशन है वो log x होती है, अगर आपको याद हो हमने की थी ये, तो यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 2 - 5 इंटू नेचुरल log ऑफ x, कहाँ से कहाँ तक, 0.1 से लेके 2.01 तक। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 2 - 5 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 2 - 5 इंटू लॉग ऑफ, एक मैथ्स की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज लॉग ऑफ ए अपॉन बी, हमने भी कैलकुलस में किया था, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग की प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है यहाँ तक। तो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर क्या आएगा, 20 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 20.1। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 - 5 इंटू नेचुरल लॉग, जिसका बेस क्या है, ई, कितना अप्रॉक्सीमेटली 20.1 या 20 लिख लूँ, बताता हूँ क्यों 20 लिखा, डिवाइड किया उसे, ठीक। अब एक चीज़ नोट करो, मैथ्स का एक रूल है, क्या रूल है, कि अगर बेस ई है और मुझे बेस क्या बनाना है, 10 बनाना है, तो ऐसे केस में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303, खास नंबर है ये, तो आपका जो बेस ई है वो बेस 10 बन जाता है, केमिस्ट्री के टीचर भी सिखाएंगे आपको, हम थर्मोडायनेमिक्स सिखाते हैं, अभी आप याद कर सकते हो इसे, ई बेस को 10 बनाना है तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं आएगा पेपर में, टेंशन मत लो, ठीक है, सिर्फ कुछ स्टेप सीखने हैं जो हो सकता है इन फ्यूचर कभी काम आए, जैसे लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ऑफ ए अपॉन बी, ये सीखा, फिर ये सीखा कि ई बेस को 10 बनाना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, फिर लास्ट इसके अंदर लॉग ऑफ 20 टू दी बेस 10, इसको हम ऐसे लिखें 2 × 10 टू दी बेस 10 लॉग ऑफ 2 प्लस
log of 10 to the base 10 to the base 10. Log of a into b क्या है, log a plus log b to the base 10 to the base 10. मैथ्स की प्रॉपर्टी है, सॉरी. जब log of a into b है तो log a plus log b लगा सकते हैं. आप प्लस का साइन लगा के अलग अलग log कर सकते हैं. log of 10 to the base 10 की वैल्यू 1 होती है. 10 कोई भी नंबर का log निकाला और बेस भी सेम है तो आंसर 1 होता है, तो 1 आ गया. और log 2 की वैल्यू टू द बेस 10 स्टैंडर्ड केमिस्ट्री टीचर याद करवाएंगे 0.3010 स्टैंडर्ड वैल्यू है ये. ये जब भी log की कोई प्रॉब्लम आएगी ना फिजिक्स या केमिस्ट्री में वो log 2 के साथ ही आती है. और एक ही बच्चे को वैल्यू याद होती है log 2.3010. ऐसे log 20 आके वहाँ वैल्यू फुट करके आंसर आएगा, पेपर में नहीं आएगा. इतनी कैलकुलेशन कैसे आएगी? बट पहली प्रॉपर्टी कि log जो है e से जब 10 बनता है तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है. दूसरी प्रॉपर्टी, log 20 की वैल्यू निकालते हुए 2 a into b कर दिया, log को ब्रेक कर लिया और log 10 टू द बेस 10 1 होता है और इसकी वैल्यू याद करनी है, आंसर आएगा, बात खत्म. तो क्वेश्चन आए या ना आए दो चीज़ें सिखा जरूर गया. तो ऐसे काइनेटिक एनर्जी आएगी, फिर फाइनल वेलोसिटी कैसी आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर से वेलोसिटी आएगी. तो आपकी असाइनमेंट के अंदर ये वाला क्वेश्चन यही था एग्जैक्टली, तो ऐसे करके ये आंसर आएगा. तो जब आएगा तब की तब देखेंगे मैंने करवा दिया कैसे करना है.